गणेशाय, हर हर महादेव, जय श्री कष्ट भंजन। तो गाइज, आज है संडे स्पेशल व्लॉग, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और काफी दिनों के बाद हम व्लॉग लाए हैं। अभी डेली व्लॉग्स कम लाते हैं क्योंकि आप लोग ज्यादा हमारे शॉपिंग व्लॉग्स पसंद करते हैं और घूमने वाले। तो आज हम जा रहे हैं घूमने, इसीलिए हम लाए हैं ये वाला व्लॉग। तो अगर आ गए हो हमारे व्लॉग चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का व्लॉग शुरुआत करते हैं। गाइज, अभी हम सबसे पहले आ चुके हैं मंदिर में, मंदिर के दर्शन करेंगे फिर हम निकलेंगे। तो आज बहुत ज़बरदस्त जगह पे जा रहे हैं, मेरे व्लॉग में ऑलरेडी है बट आज हम जा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइज, अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं। अभी हम सब लोगों को पिकअप करके निकल चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं, जैसे कि कष्टभंजन देव जी, ये मम्मी बैठी हैं डिक्की में, आगे जगह हो गई थी फुल और मम्मी ने बोला कि मैं भी चलूंगी डिक्की में बैठ के। गाइस, अचानक से प्रोग्राम बना और हम निकल चुके। मतलब हमें कुछ सुबह तक भी आइडिया नहीं था कि दोपहर को हम आज कष्टभंजन देव जाने वाले हैं। मतलब भगवान को बुलाना होता है ना दर्शन के लिए, कैसे भी बुला लेते। तो गाइस, अभी हमने किया है स्टॉप और हम आए हैं यहाँ गैलॉक्स पे खाने। तो अभी हम यहाँ पे खाना खा लेंगे। पापा डिक्की में से निकले हैं अभी, तो चलिए अभी हम कुछ खा लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे। हम जा रहे हैं श्री कष्टभंजन सारंगपुर, जैसे कि आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही जाता है। ये देखो मेरे मम्मी पापा आए हैं, भाभी आई है, गुड़िया आई है, गुड्डू आया है, अमिची आई है। तो कैसा लगा आपको डिक्की में बैठ के दोनों को? बहुत बढ़िया, तो गाइस डिक्की में कम्फर्टेबल नहीं होता है पर अभी ज्यादा लोग हैं इसके लिए। यहाँ पे काफी सारी ब्रांड्स होती हैं। अगर आप सारंगपुर आ रहे हैं अहमदाबाद से तो यहाँ गैलॉक पे रुकना। यहाँ का टेस्ट वगैरह भी काफी अच्छा होता है, डोमिनोज भी है, बर्गर सिंह, मैंने किंग सुना है यहाँ पे बर्गर सिंह है। और हमने की पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था, मुझे भी पिज़्ज़ा खाना था और ये सब गोटा पापड़ी खा रहे थे तो बहुत अच्छे हैं ये सब। तो गाइज, इन दोनों को पता ही नहीं है मैं वीडियो निकाल रही हूँ, देख लिया गुड्डू ने। आपने इन बच्चों को देखा, अंदर बैठे थे बातें कर रहे थे। तो गाइज फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं कष्टभंजन देव। अंदर एक स्वामीनारायण का मंदिर है, वो भी अगले व्लॉग में, पहले वाले में दिखाया है, देख लेना नहीं देखा हो तो। फाइनली ये है कष्टभंजन देव का मंदिर, अगर नहीं आए हो तो एक बार आना, कहा जाता है यहाँ पे आने से जिंदगी के सारे दुख दूर होते हैं, माथों मुखों ने दुख दूर थी जाए। तो चलिए अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे, ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे मतलब भूत प्रेत भी दूर हो जाते हैं। कहा जाता है श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस भी हो चुका है। तो आज पूरा मंदिर दिखाएंगे और ये नए हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है, बहुत बड़ी मूर्ति है। और ये देखिए सामने से और आगे से भी इनके दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले ले लेंगे प्रसादी और धागे वगैरह मिलते हैं, हमने प्रसादी ली है पेड़े, तो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस हैं और बाहर से लोगे तो भी बहुत अच्छे पेड़े मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर हम आ चुके हैं, दिखा देते हैं आपको लंगर हॉल। तो गाइज मेरी तरफ से एक बात है कि आप कहीं भी लंगर खाते हो, कहीं भी प्रसादी, तो प्लीज मुखिया जरूर डालें, फ्री में ना खाएं। तो गाइज अभी हम मंदिर की जगह आ गए थे लंगर वाली लाइन में, तो लंगर खाने बाद में आएंगे हुआ तो, और अभी हमें मंदिर जाना है तो मंदिर जाएंगे। अभी हम दिखा रहे हैं आपको स्वामीनारायण का मंदिर, तो यहाँ भी जरूर आना, ये है स्वामीनारायण जी का मंदिर, तो बहुत जबरदस्त मंदिर है ये भी। कष्टभंजन देव जी के मंदिर के अंदर ही है ये मंदिर और यहाँ पे काफी पुरानी पुरानी चीजें हैं स्वामीनारायण जी की, और देख सकते हैं ये बहुत पहुंचा हुआ मंदिर है। रियलिटी में अगर नहीं आए हो तो जरूर आना एक बार, सच कह रही हूँ, दुख दूर होंगे। तो गाइज ये है स्वामीनारायण मंदिर, आ रहे हो तो यहाँ जरूर माथा टेकना, ये कष्टभंजन देव के मंदिर के एग्जैक्ट सामने है।
और बहुत सारी लाइन हो गई है अभी, देख सकते हो हमें आने में काफ़ी लेट हो गया है। अभी शाम हो चुकी है, संडे का दिन है, सो काफ़ी ज़्यादा लाइन है। ये हमारे कष्टभंजन देव, तो चलिए अभी हम चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, स्टोर है। गाइस फाइनली आ चुके हैं मंदिर के अंदर, दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से। ये हैं कष्टभंजन देव हनुमान दादा। जय श्री कष्टभंजन देव की, जय। प्रसाद लेने इधर है ना, ये है हमारे कष्टभंजन देव जी का मंदिर, ध्वज के दर्शन सबसे पहले। और फिर ये आते हैं हमारे हनुमान दादा, जिनके मुख में आप नारियल पूरा डालेंगे, हाथ से प्रसाद दी आपको मिलेगी। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ नारियल भी ज़रूर चढ़ाइएगा, मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद अभी हम आपको लेके आते हैं स्टोर में। तो यहाँ स्टोर है, ये जो स्टोर है, ये स्टोर में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी और भगवान जी के बहुत सारी तस्वीरें मिलेगी अच्छी अच्छी सी। तो आप अपने घर के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो, मंदिर के लिए, शॉप के लिए, हर एक चीज़ के लिए, ऑफिस के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे रक्षा कवच भी मिल जाएंगे। गाइस बात है विश्वास की, विश्वास है तो सब कुछ है। ज़रूर आना है स्टोर पर भी, स्टोर पर भी काफ़ी देख सकते हो इस टाइप के आपको भगवान बाबा जी मिल जाएंगे। देख सकते हो दादा की मूर्तियाँ कितनी अच्छी है। फिर पापा ने कहा मैं भी नारियल डालता हूँ और मुझे भी प्रसाद मिलेगा। तो पापा को है ना, मतलब ज़्यादा इच्छा होती है कि ये वीडियोस बनाऊँ और फोटो निकलवाऊँ और बाबा का प्रसाद मिल चुका है। अभी बहुत बढ़िया है, अभी हमने ऑडिटोर नहीं देखा है, वो देखने जाना है। और अभी हम आए हैं भोजन करने, मतलब यहाँ पे जो प्रसाद है हम पहले गए थे, अभी फिर खाने आए हैं। प्रसाद था जो हमने चाट चाट के खा लिया। यहाँ पे ली सेल्फी और अभी यहाँ पे हैंड वॉश कर लेंगे और पानी पी लेंगे। धोवानू पीवानू दोनों हैं। तो गाइज ये मिला है प्रसाद और हमने लंगर खा लिया है, बहुत अच्छा है। आप भी आइएगा एक बार, अगर नहीं आए हैं, जो आपके ज़िंदगी के दुख तकलीफ हैं दूर हो जाएंगी। बात है विश्वास की, विश्वास रखोगे तो सब पॉसिबल है। तो गाइज फाइनली अभी हमें बड़ी सी मूर्ति देखने आ चुके हैं, जिनका इनॉग्रेशन हुआ था हनुमान जयंती के दिन। तो बहुत ज़बरदस्त मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे, मतलब जैसे आप एंट्री लोगे मंदिर से थोड़े दूर से ही आपको मूर्ति दिखना शुरू हो जाएगी। ये पूरा मंदिर है जो दिखा रहे हैं हम आपको, मॉर्निंग के टाइम पे और अच्छे से दिखता है। फिर अमित जी ने कहा थोड़े वीडियो और फोटोज़ ले लो मेरे, ना मेरा ऐसे ही ख़राब करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारे स्वामीनारायण जी का है। फिर हमने लिए पेड़े रास्ते में खड़े होकर, यहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस है, आप पेड़े ले सकते हो, आपको लेने हो तो बहुत अच्छे पेड़े मिलते हैं यहाँ पे। फिर हम पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, फिर से हम ग्रॉप्स पे आए हैं। यहाँ का खाना एक नंबर होता है। और बाद मज़ा आया आपको? हाँ मज़ा आया। ये देखो गुड्डू गुड्डू, मज़ा आया ना? ये बहुत अच्छा। होटल में खाएंगे आधी रात मेरी मेन कोर्स शादी में। तो बहुत अच्छा सा डिनर किया, फिर हमने खाई आइसक्रीम, बाकी लोगों ने चॉइस की कॉफ़ी, हमने चॉइस की आइसक्रीम। गुड्डू गुड़िया मैंने, हम आइसक्रीम खाएंगे वो कॉफ़ी पियेंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, अभी खा लिया है खाना।
ट्रिप पूरी हो चुकी है, अभी जाएंगे घर। तो गाइज आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताइएगा, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आप सारंगपुर नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। माना जाता है कि माथो मोको ने दुख दूर थई जाए, तो गाइज विश्वास रख के जाइएगा, आपके ना होने वाले बिगड़े काम भी जरूर बन जाएंगे। और एक बात सुन लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट सी और छोटी सी चीज़ है गाइज, आप किसी भी चीज़ में भरोसा रखोगे ना तो वो आपको रिजल्ट देगी। अगर आप सिर्फ आजमाने के लिए चीज़ें करते रहोगे, वो चाहे भगवान की हो चाहे किसी मंदिर में जाने की हो, तो नहीं होने वाला है। आप अपने दिल से अगर किसी चीज़ पे ट्रस्ट रखते हो और करते हो ना, तो वो ज़रूर होने वाला है गाइज। तो बेफिक्र हो जाइए लाइफ में और सब मालिक के ऊपर छोड़ दो। डेफिनेटली देखना एक दिन आप खुद के जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और अगर आप नहीं भी गए हो सारंगपुर तो एक बार ज़रूर जाना, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत लोगों के काम हुए हैं, तो आप ज़रूर जाइएगा एक बार। लव यू ऑल, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो आज है मेरा बर्थडे, तो इसके मेरे बर्थडे वाला व्लॉग इसके बाद आने वाला है, तो बहुत सारा प्यार देना उस व्लॉग को, बहुत ज़्यादा शेयर करना, मुझे खुशी होगी आप मेरे बर्थडे का व्लॉग देखोगे तो। उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारंगपुर देव जी के लिए जय श्री कष्टभंजन, वो आपके काम जरूर करेंगे और हमारे भी करते रहेंगे। जय श्री हनुमान दादा।